हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को बिना भूले ऑन कर लेना, ताकि मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फास्टैग कार्ड एक्सिस बैंक के जरिए अप्लाई करने में कितने दिन में आता है। ये आप लोगों के दिल में जो है सवाल होगा, और फास्टैग कार्ड के साथ जो इनवेलप में क्लोज होके आता है उसमें क्या क्या आता है और गाड़ी में कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो बात करते हैं फास्टैग जो एक्सिस बैंक के जरिए मैंने नेट बैंक के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। मैंने 18 जुलाई को अप्लाई किया था। अभी मेरा जो है 24 जुलाई को 6 दिन के अंदर रिसीव हो चुका है, और आप ये मेरा यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने 19 जुलाई को मेरा वीडियो अपलोड किया था कि कैसे फास्टैग को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एक्सिस बैंक के जरिए, और इसमें अप्लाई करते वक्त 14 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा बोल के लिखा हुआ था, लेकिन मेरा जो है कुरियर सर्विस के जरिए 6 दिन के अंदर कार्ड डिलीवर हो चुका है। और ये रहा मेरा क्लोज इनवेलप, फास्टैग का कार्ड जो है रिसीव हो चुका है। तो इनवेलप खोलते हैं। इनवेलप के अंदर से कार्ड के साथ साथ में फास्टैग की तरफ से एक लेटर भी आया है। फास्टैग यूज करने का क्या क्या बेनिफिट है इसका डिटेल में पूरा लिखा हुआ है, और दूसरा एक फास्टैग का कार्ड रहा, और उसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन। फास्टैग कार्ड को गाड़ी के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हर यूज़र को इजी हो इंस्टॉल करने में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 करके एक जो इंस्ट्रक्शन कार्ड भी दिया है। और अभी जो है मैं आप लोगों को सीधा कार में लेके जाता हूँ। तो गाड़ी में कैसे चिपकाना है यह मैं आप लोगों को बताऊँगा। फास्टैग कार्ड को गाड़ी में लगाने से पहले ग्लास को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। ग्लास क्लीनर और एक टॉवल लिया हूँ साफ़ करने के लिए। आप लोग पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, पानी और टॉवल को लेके जिस जगह में लगाना होगा कार्ड तो उस जगह में अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। डस्ट और धूल मिट्टी पूरा निकल जाना चाहिए। ग्लास अच्छी तरीके से साफ़ हो तो कार्ड प्रॉपरली चिपकता है। और साफ़ करने के बाद अभी जो है ये लुकिंग ग्लास के बिल्कुल नीचे से गाड़ी के सेंटर पार्ट में इस वाला जगह में जो है लगा सकते हैं, और किसी गाड़ी के ऊपर जो है ग्लास के सामने सेट रहता है तो सेट के ऊपर नहीं चिपकाना है, तो थोड़ा सा नीचे चिपकाना है। मेरा यहाँ पे कोई सेट नहीं है ब्लैक वाला। लगाने से पहले ये पीछे वाला जो है प्लास्टिक कवर इसको निकाल लेना है, इस तरीके से सीधा रख के थोड़ा सा नीचे ऊपर टेढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे स्टिक कर लेना है। अंदर का लुक्स इस तरीके का दिखता है और बाहर से जो है इस तरीके का दिखता है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक के जरिए कार्ड अप्लाई करने के बाद कितने दिन में रिसीव होता है और क्या क्या रिसीव होता है क्लोज इनवेलप में और गाड़ी में कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।